हम मौजूद हैं आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली अलीपुर थाना। जी हाँ, यहाँ पर करीबन 10 दिन पहले एक अंशु नाम के लड़के की जो स्विमिंग पूल में डूबकर हत्या हो गई थी। हालांकि यहाँ पर अभी जो लोग हैं उनका आरोप है कि बच्चे की जो हत्या डूबकर नहीं हुई थी, बल्कि आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या की गई है। हालांकि अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हो रखे हैं काफी संख्या में, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है और इसी के चलते उनको इंसाफ की जो दरकार है वो अभी तक लगाई जा रही है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो मौजूद है काफी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वे सिर्फ यहाँ पर इंसाफ के लिए यहाँ पर मौजूद है, ताकि उनके बच्चों को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाया जा सके। हालांकि बात की जाए, इनका आरोप है कि पुलिस प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, जो सीसीटीवी फोटोज हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक इनको नहीं दिखाई गई है। हालांकि अभी यहाँ पर काफी संख्या में जो लेडीज हैं वो और जेंट्स हैं वो यहाँ पर अपने बच्चे की जो इंसाफ के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखते रहिए PTV4 न्यूज के साथ, मैं प्रियांश। बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना को अलीपुर गाँव के लोगों ने घिराव किया। आपको बता दें करीब 9 दिन पहले देवा फार्म हाउस जो कि खेड़ा कला गाँव में है, उसी देवा फार्म के अंदर ही अवैध तरीके से वाटर पार्क चलाया जा रहा है, जिसमें 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों को समझाया गया कि बच्चे का फोटो होना बहुत जरूरी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और ही सामने आया। बताया जा रहा है कि बच्चे की ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके 9 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और न ही परिवार को देवा फार्म का कोई CCTV फुटेज दिखाया गया। जबकि वहां पर बताया जा रहा है कि 10 से 12 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सभी कैमरे तोड़ दिए गए या फिर उनके तार हटा दिए गए, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जिसको लेकर बुधवार की सुबह अलीपुर थाना का घेराव किया गया, जिसमें परिजनों के साथ गांव के लोग भी इकट्ठा हुए। नेशनल हाईवे 44 ओल्ड को जाम कर दिया गया, जिसके 2 घंटे बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस का कोई भी आला अधिकारी परिवार से बात करने के लिए नहीं पहुंचा, जिसको लेकर परिवार के लोग अलीपुर थाने का घेराव करते हुए ओल्ड नेशनल हाईवे 44 पर बैठे हुए हैं। गांव के लोगों में रोष ये है कि उसकी ना तो कोई प्रोग्रेस बता रही है, क्या हुआ अब तक, क्या निवार 10-11 हुए, बच्चा करीब 11-12 साल का, वो नहाने के लिए दिया फार्म दिया था, तो वहाँ से उसकी डेड बॉडी नहीं, ना वहाँ कोई ट्रेनर था, ना वहाँ कोई कोच था, ना उसकी किसी संभाल ली। अब पानी नीचे पैर लगा तब पता लगा बच्चे की डेड बॉडी, पानी को इतना ट्रांसपरेशन होता है कि उसमें पता लग जाए कि नीचे क्या है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पानी भी गंदा था, पानी गंदा था, पानी बहुत गंदा था। उसका बच्चे के शरीर पे कपड़ा था ही नहीं, जब नीचे उतरा पानी में तो उसका बच्चा डीपी पहना हुआ था, लेकिन जब बच्चे को डेड बॉडी मिली तो उसको कोई कपड़ा था ही नहीं, बल्कि उसको ब्लीडिंग थी पीछे से और पूरा सीन नीला पड़ा हुआ। अब ये तो यही बता सकते हैं, कुछ जिन्होंने पुलिस केस है कि क्या है उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, माँ बाप को वो गाँव वालों को यूँ बताना चाहिए कि हमने अब तक ये किया है। जी कुछ कार्रवाई नहीं है जी, हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमें कहते हैं DVR ख़राब है, वहाँ पे कैमरे चले हुए हैं, वहाँ के तार हटे हुए हैं, और अपने लड़के के लिए वहाँ कहते हैं हमें वीडियो दिखाओ, वीडियो देखने के लिए मना कर रहे हैं। अब साथ में हुई 18 बच्चे वहाँ पे नहाए थे जी, लड़के वहाँ पे लड़का भी नहाया था, पेट पकड़ के छोड़ गया, 2-1 मिनट के लिए बाहर गया हुआ था, वहाँ मुड़ के देखा मैंने वहाँ पे लड़का नहीं था, वो लड़का कहीं घूमने के लिए बाथरूम करने के लिए गया होगा, वहाँ पूछने पर किसी ने बताया नहीं, 10 मिनट के बाद वहाँ घूमने के लिए उल्टा वापसी आया पूछने के लिए, एक लड़के ने मेरे को बताया कि आपका लड़का यहाँ पेल पकड़ के नारा था, ना भैया को नीचे पैर में टच हुआ है, तो ये कहते हैं इसे तुरंत पानी में कूदा और नीचे देखा लड़का पानी में था, आने बाद उसको उसका पेट दबाया, पानी निकाला, पानी निकालते ही वहाँ से उनकी जैन लेके नज़दीकी अपने यहाँ पे इंदिरा नर्सिंग होम में आया, वहाँ पे चेक करवाया लड़के को, उन्होंने मना कर दिया। जो हमारी मांग है वो फिलहाल CCTV फुटेज के लिए, उससे हमें ये कंफर्म हो जाए ये कोई हादसा, कोई इंटेंशनल मर्डर तो नहीं है, कोई इसमें कोई इलीगल कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है, और ये इनको CCTV देने में फोटो उसमें दिक्कत क्या है, अगर ये सब कुछ ठीक है तो वहाँ पर अभी ये कह रहे हैं कि पहले तो हम दे रहे इतने दिन हो गए, अभी भी आधा घंटा एक घंटा, अब इतनी ज़्यादा पब्लिक लेके आई है, उनको ये कह रहे हैं कि ड्रामा क्या लगा रखा है, नहीं हमें कुछ आई नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं, वो तो एक आके और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या ड्रामा कर रहे हैं, करें। उल्टा पब्लिक को ये कह रहे हैं, पब्लिक को उल्टा कह रहे हैं, कहना तो हमें चाहिए कि तुमने क्या ड्रामा कर रखा है यहाँ पे।